Good evening, everyone. How are you all? I hope I am audible to all of you. Good evening. Am I audible to all of you? So welcome to Suresh Purohit Sir's official channel. My name is Uma Joshi, and as you all know, we are discussing here the RBSC books for the preparation of RPSC exams. So today's topic is Rajasthani paintings. Students, we are in the syllabus and we are discussing here the arts, paintings and handicrafts portion. Previously humne kya discuss kiya tha? Humne abhi tak folk dramas, folk dances aur iske alawa forts hum logon ne discuss kiya hai. और अभी हम लोग पेंटिंग्स पर आए हैं. यहाँ पर मैं आरबीएससी बुक जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स है आरबीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, उनकी सारी बुक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में. जल्दी ही मेरी क्लासेस आने वाली हैं जिसमें कि आरबीएससी चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बिकॉज बेस हमारा क्या है, आरबीएससी बुक्स हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर सारा आरबीएससी का डिस्कशन करेंगे. तो आपका एक भी क्वेश्चन आरबीएससी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा. तो स्टे ट्यून विद मी एवरीवन. साहिल जी हेलो. सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग हियर दी पेंटिंग्स पार्ट. ये पेंटिंग्स जो है आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पेंटिंग के पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली जो आपके पेंटर्स हैं उनके नाम से, किस राजा के काल में कौन सी पेंटिंग बनी थी, इस तरह के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं. इसके अलावा जो अलग अलग हमारी शैलियां हैं पेंटिंग की, उन पे घराने जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. जैसे कि आपका हाड़ोती शैली है, आपका बीकानेरी शैली है, जो सब स्टाइल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं. यहाँ पर नोट्स जो आपको अवेलेबल करवाए गए हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रही हूँ ताकि हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. दीज आर द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, आपने सबने देखी होगी कभी ना कभी. So what is a painting? Let's start it. Rajasthan has a very rich tradition of painting. Here various schools of painting flourish. Diverse surfaces were used for paintings like paper, clothes, wall of temples and havelis. देखिए पहले जो है वो paintings कैसे की जाती थी, papers पर, clothes पर painting करते थे, दीवारों पर painting करते थे, और बहुत सारी हवेलियां अगर आपने देखी है तो वहां पर आपको बिल्कुल वहां पर paintings मिलेंगी, चित्र मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर होते हैं. इसमें ज्यादातर नीले रंग का प्रयोग करके ये लोग पेंटिंग करते थे. जैसे अगर आप झुंझुनू साइड में जाते हैं, सीकर साइड में, लक्ष्मणगढ़ में जाते हैं, तो हवेलियों जो हैं उनके ऊपर पेंटिंग बहुत अच्छी दिखने में आपको दिखाई देगी. द ड्रॉइंग्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन फाउंड इन द रॉक शेल्टर एट आलनिया, दारा, कोटा, बैरट, जयपुर एंड दर ब्रहना, भरतपुर के अंदर ये प्रेजेंट है. ये सारे राजस्थान के अंदर जो पेंटिंग्स मिली है उनके छोटे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं. V.S. Wankhner in 1953 discovered rock shelters in the Chambal Valley and Dara in Kota. ठीक है, तो 1953 के अंदर जो rock shelters है हमारी, जो पत्थर चट्टाने हमारी Chambal Valley में, Dara in Kota में, वहां पर जो है paintings के कुछ इनको प्राप्त हुए हैं. तो देखिए कि paintings जो है राजस्थान की, उसको तीन parts में हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पे paintings in ancient राजस्थान, जो पुराने time में राजस्थान में present थी, जो मिडिवल पार्ट में थी, और मॉडर्न जो आर्ट पेंटिंग है राजस्थान की, हम उनकी बात करेंगे. फिर हमने राजस्थानी पेंटिंग्स को कुछ क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे. जैसे मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल है, मारवाड़ पेंटिंग स्टाइल है, धुंधाड़ है, हाड़ूती है. मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल में हम उदयपुर, चावन, नाथद्वारा, देवगढ़, इनके बारे में बात करेंगे. मारवाड़ में हम जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही और किशनगढ़ की बात करेंगे. धुंधाड़ में वी विल डिस्कस अबाउट आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर और नियारा, और हाड़ोती में कोटा और बूंदी स्टाइल की बात करेंगे. देखिए यहाँ पर रीजन वाइज जो है वो पेंटिंग्स के जो है चित्रों में कलर्स जो हैं वो, और पेंटिंग के स्टाइल, राजाओं का प्रभाव, बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट करती है पेंटिंग को. लेट्स सी, जो बर्थ प्लेस है राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल का वो मेवाड़ माना जाता है. ठीक है, तो बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुई है आपकी पेंटिंग राजस्थानी स्टाइल की, वो मेवाड़ से ओरिजिनेट हुई है. जो इनिशियल इमेजेस हैं वो जैन और गुजरातियों की मिलेगी आपको,
मिडिवल एज में धीरे धीरे जैसे मुगल आने लगे तो मुगल का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बढ़ता गया और उसके भी आपको झलक जो है वो दिखाई देगी पेंटिंग्स में। जो गोल्डन एज है आपकी पेंटिंग का वो 17 से 18 सेंचुरी के बीच में रहेगा। उस समय जो पेंटिंग्स थी वो अपनी चरम सीमा पर थी, यानी कि बहुत सारे पेंटिंग्स बनती थी, राजा शौक से पेंटिंग्स बनवाते थे, ठीक है। देन इनिशियल पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव ह्यूमन फिगर्स, जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि ह्यूमन को लाइन के थ्रू जो एक्सप्लेन किया जाता था, लाइन डायग्राम्स बनाए जाते थे। आपने बहुत सारे केव अगर पढ़ी हैं तो केव के बारे में देखा है तो आपने देखा होगा कि वहां पर आर्ट जो है वो इस तरह लाइन डायग्राम की फॉर्म में रहता है। फिर केव पेंटिंग्स की बात करते हैं, चंबल रिवर एंड अलानिया रिवर, डॉक्टर जगत नारायण इन्होंने जो है इसके बारे में बताया है। मुकुंद्रा हिल्स एंड दर भरतपुर और बैरट, यहां पर आपको इनिशियल पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है। लेट्स मूव फर्दर, सालेश्वर एंड अमरेश्वर, ये सवाई माधोपुर में है, ये भी आपको इनिशियल पेंटिंग्स के बारे में बता रहा है। एडार माउंट आबू में है, दैट इज ऑल्सो टेलिंग अबाउट दी इनिशियल पेंटिंग। तो ये जो इनिशियल टाइप के पेंटिंग्स है उसमें क्या है बेसिकली कि पुराने जमाने में जब पेंटिंग्स की शुरुआत हुई थी तब किस तरह के फिगर्स बनाए जाते थे, जनरली ह्यूमन फिगर बनाए जाते थे, लड़ाई के दृश्य दिखाए जाते थे, जानवर जो थे वो जहां पर उस समय जैसे भी जानवर उनको दिखते थे वो उस तरह के पेंटिंग्स जो है वो ड्रॉ कर देते थे। तो इनके जो आपको सबूत मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, मुकुंद्रा हिजदर, बैरट और सैलेश्वर, अमरेश्वर और एडार, यहां पर आपको इनके प्रूफ मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं चालकोलिथिक एज की, तो उस समय पेंटिंग्स जो है वो किस पर की जाती थी, ऑब्जेक्ट्स पर, यूटेंसिल्स पर, जो बर्तन वो यूज करते थे उन बर्तनों के ऊपर वो पेंट करते थे। ज्यादातर ये काले रंग का उपयोग करते थे इसमें, जैसे आहड़ उदयपुर में और गिलुंड राजसमंद में। जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल में फिर से देखेंगे। एंशियंट टेक्स्ट ऑन पेंटिंग्स इन राजस्थान, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि ओत निरुक्ति वृत्ति, ये जो है टेक्स्ट है जो कि पेंटिंग्स के बारे में बताता है, ठीक है। पुराने टाइम में कुछ टेक्स्ट लिखे गए थे जो पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो है ओत निरुक्ति वृत्ति और दस वेलिकालिका सूत्र चूर्णी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी आपके पूछे हुए हैं। फिर है आपका आलेखार पाटिल, तिब्बतन हिस्टोरियन तारानाथ हैज मेंशन्ड अ पेंटर नेम श्रंगाधर ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी हु लिव्ड इन मरु प्रदेश मारवाड़। तो जो तिब्बतन हिस्टोरियन है हमारे तारानाथ, उन्होंने एक पेंटर का नाम बताया है, उनका नाम है श्रंगधर, जो कि 7th सेंचुरी में थे और वो मरु प्रदेश मारवाड़ में रहते थे। तो ये सारे टेक्स्ट जो हैं वो रिटन हैं पेंटिंग पर। आपको नाम याद रखना है, ओट निरुक्ति वृत्ति और दस वैकालिका सूत्र चूर्णी, इनके नाम याद आपको रखने हैं। ये तो हमारी थी इनिशियल पेंटिंग्स जो थी। अब बात करते हैं हम लोग मिडिवल एज की पेंटिंग्स की, बाद में किस तरह से पेंटिंग्स में बदलाव आया गया, पत्थरों की जगह पर वो पिक्चर्स जो है प्रॉपरली पेंट करने लगे, कलर्स का यूज करने लग गए। तो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स राइज ऑफ अ राजपूत पेंटिंग स्टाइल, राजपूतों का प्रभुभाव था हमारे यहाँ पर राजस्थान में, तो उनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि पेंटिंग की स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो गई है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ राजपूत स्टाइल पेंटिंग्स, बाद में धीरे धीरे सिर्फ राजपूत स्टाइल की पेंटिंग्स जो थी वो काफी पॉपुलर हो गई। बर्थ प्लेस क्या रहा है इसका, मेवाड़। इनिशियल पेंटेड टेक्स्ट, और इनके जो इनिशियल पेंटेड टेक्स्ट हैं जो बाद में मिडिवल एज में काफी पॉपुलर थे, उनके नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में बना था। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी में पूछा गया है तो इसका नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तेज सिंह के शासनकाल में जो है वो कौन सा टेक्स्ट लिखा गया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसके बाद में है सुपंश चरीराम और सुप्रवनट चित्रीराम, ठीक है, ये महाराणा मोकल के टाइम में लिखा गया है। सुपश्न चरीराम और सुप्रवस्थन वनत चरितम, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है महाराणा मोकल के टाइम में लिखे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है इनिशियल पेंटेड टेक्स्ट के बारे में। फिर बाद में इनका क्लासिफिकेशन किया गया कि ये जो पेंटिंग्स हैं उनको भी अलग अलग स्टाइल्स में रखा गया है। देखिए ये ओरिजिन तो कहाँ हुआ है हमारा, मेवाड़ में ओरिजिनेट हुई है, लेकिन मेवाड़ में भी तो कितनी सारी जगह है जहां पर पेंटिंग्स के अलग अलग टाइप्स होंगे, तो उनको भी क्लासिफाई कर दिया गया, बाद में उनका भी विभिन्नीकरण कर दिया गया,
जैसे कि सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया है, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में, और उनकी बुक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। इन्होंने इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है कि उनकी पेंटिंग के स्टाइल कैसे थे, वो कलर्स कैसे यूज करते थे, वो किस चीज को पेंट करते थे, किसके बारे में ज्यादा पेंटिंग्स बनती थी, आदमी का जो कैरेक्टर होता था उस पेंट में वो कैसा दिखता था, औरतों के कैरेक्टर कैसे दिखते थे। तो इनका कुछ स्पेसिफिकेशन होता था, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो मेवाड़ की जो पेंटिंग है उसको भी बाद में डिवाइड कर दिया गया। राजपूत पेंटिंग स्टाइल्स की बात करें तो वो बेसिकली राजस्थानी स्टाइल है, पहाड़ी, जम्मू, चंबा, कांगड़ा और गढ़वाल, इस तरह की पेंटिंग स्टाइल्स मिलेगी। इसके अलावा मुगल जो थे उनका काफी प्रभाव था, इसलिए मुगल पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स की, कि इन पेंटिंग्स की क्या खास बात थी। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, दिस स्टाइल हैज अ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिपिक्शन ऑफ फोक लाइफ, जो हमारा सामान्य जीवन है, जो हमारा लोकल जीवन है, उनके बारे में इसको बेसिकली बताया गया। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो यहाँ बैठा है, तो ये राजस्थानी जो हमारे बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बता रहा है। ये जो पहरावा इन्होंने पहन रखा है पेंटिंग में इस लेडी ने, तो ये हमारे राजस्थान में ये झलक देखने को मिलती है। तो लोकल लोगों की लाइफ से जो इंस्पायर होकर पेंटिंग्स की गई है, तो फोक लाइफ की झलक आपको बिल्कुल पेंटिंग में देखने को मिलती है। शोकेसिंग सेंटिमेंट्स, इसमें जो है वो फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करके दिखाया जाता है, डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर, और इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न विभिन्न चीजों के ऊपर पेंटिंग जो है वो बनाई गई, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर पेंटिंग बनाई गई। वेरिएबिलिटी इन कंटेंट, आपको एक जैसी पेंटिंग्स नहीं दिखाई देगी, बहुत सारी आपको विभिन्नताएं दिखाई देगी पेंटिंग में। एज हैज इट्स ओन आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू द नेचुरल एनवायरमेंट एंड स्पेस टाइम, बिल्कुल इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको बिल्कुल इंक्लूड करें। जैसे आपने देखा है कि राजस्थानी पेंटिंग में बेसिकली जो है वृक्ष जो है, ट्रीज जो है, उनका ज्यादा उपयोग किया गया है, पत्तियों, पेड़, इनको ज्यादा दिखाया गया है। इसके अलावा जो आपकी एनिमल्स हैं उनको भी पेंटिंग में इंक्लूड किया जाता है, तो बिल्कुल एनवायरमेंट को, नेचर को ध्यान में रखकर ही पेंटिंग्स बनाई गई है। राजस्थानी पेंटिंग्स आर मोर विजिबल इन पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, हवेलीज में जो है ये पेंटिंग्स ज्यादा देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप कितने सुंदर कलर से, देखिए ये जो पिक्चर्स दिखाई हुई है इसमें बिल्कुल पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इसमें ग्रीनरी को यूज किया गया है। इनके वस्त्र देखिए, कलर्स देखिए, तो कलर कॉम्बिनेशन ज्यादातर ब्लू कलर और ग्रीन कलर जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इन पेंटिंग्स में। हेलो जितेंद्र जी, राजस्थानी पेंटर्स हैव डिपिक्टेड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स ऑन ह्यूमन लाइफ बाय एस्थेटिकली क्रिएटिंग पेंटिंग्स विद सीजन एट्स मेन थीम। जो पेंटर्स हैं राजस्थानी, उन्होंने क्या किया है, अलग अलग सीजन, जो मौसम है अलग अलग और जो ह्यूमन की लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन दोनों को उन्होंने पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करने का ध्यान रखा है। सीजन्स को इन्होंने थीम बना लिया कि अभी जो मौसम है आपका गर्म चल रहा है, तो लू जो है चल रही है, डेजर्ट का रीजन है, तो किस तरह की पेंटिंग्स आएंगी। अगर मौसम ठंडा है तो वो अलग तरह की पेंटिंग्स अपने उसमें दिखाएंगे। पतझड़ का मौसम है तो पत्ते झड़ते हुए होंगे और कुछ पिक्चर्स इसमें शो की जाएगी। द पेंटर्स ऑफ राजस्थान हैड मोर फ्रीडम देन द पेंटर्स एट मुगल कोर्ट। दिस वॉज द रीजन दैट कॉमन मैन्स लाइफ एंड अ फोक बिलीव्स गेट मोर एक्सप्रेशन इन राजस्थानी पेंटिंग्स। बिल्कुल ये एक सही बात है कि जो मुगल्स थे, ऑफ कोर्स अगर उनके उनके कोर्ट के अंदर कोई अगर पेंटर है तो वो राजा की तारीफ के ही बुलंदे कसेगा, वो उनके रिलेटेड ही पेंटिंग्स बनाएगा, राजा की लाइफ ही शो करेगा उसमें, राजकुमारी, प्रिंस, उनके बारे में ही पिक्चर्स बनाएगा, महल कैसा दिखता है, उनकी शौर्य गाथा है, उनके बारे में पिक्चर्स बनेगी। लेकिन राजस्थान के जो लोकल पेंटर्स हैं उनके पास पूरी फ्रीडम थी कि वो उनकी लोकल लाइफ को, राजस्थान हमारा कैसा दिखता है, उसकी लोकल लाइफ क्या है, लोगों का जनजीवन कैसा है, उसके बारे में अगर वो एक्सप्रेस करने के लिए काफी फ्री थे, उनको पूरी फ्रीडम दी गई थी, तो ये झलक जो है हमारे राजस्थानी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन पेंटिंग्स के अंदर कि यहाँ पर बिल्कुल एक साधारण स्त्री जो है वो पानी भरने जा रही है या वो अपने घर की तरफ जा रही है, तो सिंपल सिंपल पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई है। द नेम ऑफ द पेंटर्स आर नॉट इंस्क्राइब्ड इन राजस्थानी पेंटिंग, दिस इज ऑल्सो अ रीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कि पेंटर्स जनरली क्या करते हैं, अपना नाम जो है वो वहां पर लिखते हैं लास्ट में पेंटिंग में,
लेकिन यहां पर पेंटर्स का कोई नाम नहीं लिखा गया है. द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल वॉज गिवन पैट्रोनेज बाय द प्रिंसली स्टेट्स एंड दस पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कोर्ट लाइफ वर डिपिक्टेड इन अबंडेंस. क्योंकि राजस्थानी पेंटिंग जो स्टाइल है उसको पैट्रोनेज किया गया था, उनको प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने क्या किया था, काफी सपोर्ट किया था. इसलिए जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है या जो कोर्ट की लाइफ होती है कि भाई दरबार का कैसा माहौल रहता है, कैसी पेंटिंग्स बनती है, वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी. राजा रानी की पेंटिंग्स आपको काफी देखने को मिलेगी क्योंकि उन्होंने काफी इनको सपोर्ट किया था. लव इज द मेन सब्जेक्ट फॉर पेंटिंग इन राजस्थानी स्टाइल. इंटरनल एक्सप्रेशंस इज द डोमिनेंट स्टाइल. जो भी फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो आपको पेंटिंग के थ्रू देखने के लिए बिल्कुल मिल जाएंगे. देर इज अ पिक्चर्स क्यू एन ऑर्नामेंटल डेपिक्शन ऑफ नेचर. प्रकृति का जो है वो सौंदर्यकरण, प्रकृति का जो है वो ऑर्नामेंट के थ्रू उसको डेपिक्ट किया गया है. ठीक है. इन दिस स्टाइल एक्सप्रेशंस आर रिवील्ड नॉट ओनली थ्रू अ पार्ट ऑफ द पिक्चर बट बाय कंबाइनिंग द एंटायर सीन. केवल पिक्चर में जो एक्सप्रेशंस हैं वो केवल एक पार्ट के थ्रू नहीं, पूरी एंटायर सीन को कवर करते हुए दिखाया गया है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेडी जो है वो बैठी है पेड़ के नीचे और वो एनवायरमेंट से कनेक्टेड है क्लोजली. एक पिकॉक जो है वो उसके पास बैठा है. तो ये पूरा एक सीन को डिपिक्ट कर रहा है. उसकी पूरी पिक्चर जो है वो सीन को बता रही है कि वो किस तरह से शांत भाव से यहाँ बैठी है और पिकॉक जो है वो प्रकृति को अपने बिल्कुल पास से देख रही है. ठीक है. देर इज अ सिंपल डिपिक्शन ऑफ पिकॉक इन वेरियस पेंटिंग. पिकॉक को काफी यूज किया गया है पेंटिंग्स में. कॉन्फिगरेशन ऑफ फिगर्स इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स. स्मॉल फिगर्स आर ऑल्सो क्लियरली डिपिक्टेड. छोटे से छोटे पिक्चर जो है उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है, डिपिक्ट किया गया है. इसके बाद हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स की. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स जो है उनकी हम बात करेंगे. देखिए कौन कौन से स्कूल्स हैं राजस्थानी पेंटिंग के. वेरियस स्टाइल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग हैव बीन क्लासिफाइड अंडर फोर सब कैटेगरीज ऑन ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बेसिस. ज्योग्राफी और कल्चर के बेसिस पर चार भागों में इसको बांटा गया है. पहला है आपका मेवाड़ स्कूल, फिर है मारवाड़ स्कूल, हाड़ोती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल. मेवाड़ स्कूल में चामन स्टाइल की पेंटिंग, उदयपुर स्टाइल की पेंटिंग, नादवारा स्टाइल, देवगढ़ सब स्टाइल, सावर सब स्टाइल, शाहपुरा सब स्टाइल और बहुत सारे आर्ट मिलेंगे जैसे कि बानेरा, बागोर, बैंगोन, केलवा. इनके बहुत सारे ठिकाने जो है उनकी बात की गई है. फिर है मारवाड़ स्कूल की बात करें तो उसमें जोधपुर स्टाइल, बीकानेर स्टाइल, किशनगढ़ स्टाइल, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर. ठिकाना स्टाइल ऑफ घानेराव, रिया, भिनाय और जूनियान, इनके ठिकानों की भी बात की गई है. हाड़ोती स्कूल की बात करें तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये सारी सब स्टाइल्स इसमें देखने को आपको बिल्कुल मिलती है. ढूंढाड़ स्टाइल की बात करें तो आमेर स्टाइल, जयपुर स्टाइल, शेखावटी, अलवर, उनियारा, ठिकाना आर्ट ऑफ झिलाई, इसरदा, शाहपुरा और सामूद. तो हम एक एक करके इन सारे स्कूल्स की बात करेंगे. देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अगेन. जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं, हम लोग पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं. मैंने आपको बताया कि कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न आर्ट की बात की. फिर इनिशियल पेंटिंग्स थी उसमें क्या डिपिक्ट किया जाता था वो भी मैंने डिस्कस किया. फिर हमने बात की थी कौन कौन से टेक्स्ट जो हैं वो लिखे गए हैं. देन वी केम टू मिडिवल एज पेंटिंग्स, जहाँ पर हमने बात की थी कि जो टेक्स्ट थे वो इम्पॉर्टेंट थे और किस राजा के शासनकाल में लिखे गए थे. फिर क्लासिफिकेशन किया गया था, जिन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने इनको क्लासिफाई किया है. फिर फीचर्स की बात की हमने राजस्थानी पेंटिंग्स की. और अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्कूल्स. देखिए राजस्थानी पेंटिंग के ऑलमोस्ट जितने भी ये स्कूल्स हैं वो यहाँ पर एक मैप के थ्रू आपके सामने हैं, सो इजीली आप लोग रिमेम्बर कर सकते हैं. सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की. तो मेवाड़ स्कूल में हमने चार सब स्टाइल्स की बात की थी, तो उनकी हम बात कर रहे हैं. जी बिल्कुल वीनू, बिल्कुल आपकी कंप्लीट कल्चर जो है वो हो जाएगी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके, सो कोई टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट. मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में हम उदयपुर सब स्टाइल, देवगढ़ सब स्टाइल, नादवारा सब स्टाइल और चामन सब स्टाइल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उदयपुर सब स्टाइल की.
ठीक है, ये मेवाड़ स्कूल में उदयपुर सब स्टाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। दिस स्टाइल शोकेस फंडामेंटल फोर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गुजर एंड जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देखिए उदयपुर के साइड में जैन जो है वो काफी है, तो वहां पर वो उसी से इन्फ्लुएंस हुई भी है, गुजर और जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्रा विच वॉज पेंटेड एट आहड़ उदयपुर इन 1260 AD ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रावल तेज सिंह। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है कब पेंटिंग की, इसकी पेंट किया गया था और किसके शासन में, रावल तेज सिंह के शासन में इसको पेंट किया गया था आहड़ उदयपुर में। सुप्रश्वनत चरितम हीरानंद रिटन एंड इलस्ट्रेटेड इन 1422-23 AD एट देवाकुल पाठक दिलवाड़ा ड्यूरिंग द रेगिन ऑफ महाराणा मुकल। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो है वो आपके आरपीएससी के बेसिस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम्स में ये कभी ना कभी पूछे जाते हैं, रिपीट हो सकता है, सो प्लीज रिमेंबर। मुगल इन्फ्लुएंस ऑन दिस स्टाइल बिकेम विजिबल एट द टाइम ऑफ महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह का जब शासन काल आया तो धीरे धीरे जो है मुगलों का प्रभाव इस स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिल गया। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो उदयपुर सब स्टाइल में उसमें कौन कौन से महाराजाओं का प्रभाव रहा है। अब हम बात करेंगे आगे महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा जो है उसमें राशि कष्टक बीकम चंद, महाराणा अमर सिंह के टाइम में रागमाला जिन्होंने नसीरी दीन ने इनको लिखा था या बनाया था। फिर महाराणा जगत सिंह के शासन काल आया तो गोल्डन एरा ऑफ दिस स्टाइल, यानी कि इस टाइम में महाराणा जगत सिंह के टाइम में बहुत ज्यादा पेंटिंग्स जो है वो बनी थी। फिर है चैत्रोरी उबारी या तस्वीरों का कारखाना भी बोला जाता है इस शासन काल में, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारी पेंटिंग्स जो है हमारे सामने आई थी। भगवत पुराण शहीबद्दीन और मनोहर, ठीक है। तो महाराजा जगत सिंह का शासन काल जो है वो उदयपुर जो स्टाइल पेंटिंग है, सब स्टाइल पेंटिंग है, उसका गोल्डन एरा कहा जाता है, ठीक है। मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम की अगर हम बात करते हैं, जो जगत सिंह प्रथम है उसका काल जो है मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स या छोटे छोटे पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई थी, इसलिए इसको लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर छोटे छोटे चित्र बनाए गए थे, क्योंकि ये इस टाइम काफी पॉपुलर थे तो छोटे छोटे पिक्चर्स के थ्रू इनको एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। इसके अलावा महाराणा जगत सिंह के राजमहल में जैसे मैंने आपको बताया चितेरों की ओवरी और एक चित्रशाला जो है उसकी स्थापना की गई है, जिसको कि तस्वीरों के कारखाने के नाम से जाना जाता है। तो ये चितोरी ओबारी या चितोरी ओवरी क्या है, ये एक चित्रशाला है जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो रखी गई है और इसी को तस्वीरों का रो कारखानों कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब हम इस पेंटिंग की स्टाइल की बात करते हैं, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस पेंटिंग के और ये दूसरों से कैसे अलग है। देखिए रेड कलर इज डोमिनेंट इन दिस स्टाइल एंड येलो कलर इज यूज्ड ऑन द मार्जिन्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि रेड कलर जो है वो काफी यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो महाराजा है उनकी पगड़ी रेड है, उन्होंने दुपट्टा जो लगा रखा है दैट इज ऑल्सो रेड, और फ्लावर्स जो यूज किए गए हैं वो सारे के सारे रेड हैं, और किनारों के ऊपर येलो कलर को इसमें मार्जिन्स में यूज किया गया है। आपने इस तरह की पेंटिंग काफी देखी होगी, तो ये जो है आपका उदयपुर स्टाइल का एक यूनिक फीचर है। मेल फिगर और कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो इनकी काफी पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग फिजिक है, लंबी मूछें हैं इनकी, बड़ी आंखें हैं, शॉर्ट हाइट है, लंबे बाल हैं, एम्बेलिश्ड विद अ टर्बन, ऊपर पगड़ी पहन रखी है, होल्डिंग क्रेस्ट ऑन द हेड, कॉस्ट्यूम इज स्लिट फ्रॉम द वेस्ट, लॉन्ग इनसर्कल पजामास, और इनके कपड़े जो है बिल्कुल यहाँ पर पिक्चर के थ्रू दिखाए गए हैं। तो इस पिक्चर की स्टाइल से हमें क्या समझ आ रहा है कि उस टाइम में जो राजा महाराजा थे वो किस तरह के वस्त्र जो है वो धारण करते थे, तो पिक्चर से हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री को। अगर हम फीमेल फिगर की बात करते हैं तो वो फीमेल फिगर जो है उसमें शॉर्ट हाइट होती है, मोल ऑन चिन, मोल मतलब होता है तिल जो है वो उनके चिन पर रहता है, स्ट्रेट लॉन्ग नोज, नाक उनकी काफी लंबी रहती है, पतले होठ होंगे,
फ्लैशी फेस, घाघरा ओढ़नी और ओपन हेयर स्टाइल जो है वो उदयपुरी स्टाइल का एक सिंपल फीचर है। अब आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? शहाबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम एंड उमरा और नसरुद्दीन, ये सारे के सारे जो हैं इसके लीडिंग आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि शहाबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम और उमरा जो है वो किस पेंटिंग स्टाइल से बिलोंग करते हैं या किस पेंटिंग के लीडिंग आर्टिस्ट हैं। तो इन आर्टिस्ट का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड ऑफ द क्लासेस, ये जब पेंटिंग्स आपका कंप्लीट होगा तो आई विल गिव यू अ कंप्लीट नोट्स रिलेटेड टू इट, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है सेक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे इसको दो स्लाइड्स में पूरी पेंटिंग्स को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो वो आपको मैं, जब ये कंप्लीट पेंटिंग्स हो जाएगी देन आई विल प्रोवाइड यू। दरोगा, चीफ पेंटर ऑफ द स्टेट, जो है चीफ पेंटर जो था उसे दरोगा कहते हैं। मेन थीम, अब किस थीम पर ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे, उन थीम्स के नाम होते थे सूर सागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, रॉयल कोर्ट्स, ये इनकी मेनली थीम्स रहती थी पेंटिंग की। तो ये बात हो गई हमारी उदयपुर शैली की। इसके अलावा इट इज मोस्टली डिपिक्टेड ऑन बुक्स, बुक्स में इसका काफी वर्णन किया गया है। इसमें ब्लू स्काई विद क्लाउड्स, कदम के पेड़, एलिफेंट और चकोर बर्ड को डिपिक्ट किया गया है। ये जो चकोर बर्ड का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ है दैट ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो इसमें ब्लू स्काई को यूज किया गया है विद क्लाउड्स, कदम के पेड़ को यूज किया गया है, हाथी को और चकोर बर्ड को इसमें डिपिक्ट किया गया है। पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्रा, ठीक है, जिसको कि विष्णु शर्मा जी ने लिखा था, और कलीला दमना, टू कैरेक्टर्स फ्रॉम द मेवाड़ लव स्टोरी, कलीला और दमना, ये दोनों कौन थे? मेवाड़ में एक लव स्टोरी काफी फेमस रही थी, उसके कैरेक्टर्स हैं ये, इसी स्टाइल में इनको पेंट किया गया है। मुगल पीरियड की अगर हम बात करें तो अबू फैजल ने ट्रांसलेट किया था जो पर्सियन ट्रांसलेशन था पंचतंत्रा का एज आयारे दानिश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पंचतंत्र है उसका पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया था? अबुल फजल ने, और उस बुक का नाम क्या था? आयारे दानिश। सो दिस वॉज अबाउट दी उदयपुर सब स्टाइल, लेट सी नाउ दी नाथ द्वारा सब स्टाइल। देखिए नाथ द्वारा जो है उसका जो प्रमुख जो शैली है उसमें क्या किया गया है, उस टाइम में पुष्ट मार्गीय संप्रदाय जो था उसका काफी प्रसिद्ध था और उसकी वहां पर एक पीठ थी। ठीक है, पीठ मतलब मेन सेंटर था, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, आप सबको पता है। तो इसलिए जो मेवाड़ की चित्रकला है उसमें नाथद्वारा सब स्टाइल जो है उसको, उसमें आपको कृष्ण भगवान की पिक्चर्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा नाथद्वारा शैली की जो मौलिक देन है वो बेसिकली क्या है कि श्रीनाथ जी की जो फोटो है उसके पीछे एक सज्जा बड़े आकार के कपड़े के पर्दे के ऊपर जो है वो पेंटिंग की जाती है, जिसे कि पिछवाई कहते हैं। ठीक है, ये पिछवाई का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आरपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स रीड अबाउट दी नाथ द्वारा सब स्टाइल। दिस स्टाइल ओरिजिनेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ उदयपुर एंड ब्रज स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नाथ द्वारा में दो पेंटिंग्स जो है, दो सब स्टाइल्स जो है उनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वन इज उदयपुर एंड द अदर इज ब्रज स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये जो स्टाइल है पेंटिंग की कब शुरू हुई थी? जब श्रीनाथ जी का मंदिर जो था महाराणा राज सिंह जो है उनके शासनकाल में रहा, तो उसके बाद से ये पेंटिंग जो है वो बननी शुरू हो गई। ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण इन दिस स्टाइल, द डिपिक्शन ऑफ यशोदा, नंद, ग्वाल बाल जो कृष्णा के फ्रेंड्स हैं, गोपी, इनके अंदर ये पिक्चर्स में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो उनकी फैमिली जो है, उनके फ्रेंड्स जो है, उनका डिपिक्शन काफी दिखता है इन पेंटिंग्स में। The prominence of Krishna's childhood act was prominently marked here due to the affirmation of Vallab sect. Vallab संप्रदाय के लोग जो हैं, वो भगवान कृष्ण जो है उनकी काफी मान्यता रखते हैं, इसलिए यहाँ पर काफी prominent थे वो लोग, काफी ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पर कृष्ण भगवान की छवि आपको हर पेंटिंग में देखने को मिलेगी। इनके prominent painters कौन हैं? नारायण, चतुर्भुज, घासी राम एंड उदय राम। देखिए ये क्वेश्चन घासी राम एंड उदय राम का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इन दोनों पेंटर्स के नाम से ये सब स्टाइल पूछी गई थी। रामलिंगा, देव कृष्णा, चंपालाल, हारदेव, हीरालाल, रामचंद्र बाबा और बिठूल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका
पूछा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। नेट सी द फीचर्स, अब हम इनकी फीचर्स की बात करते हैं कि ये जो आपकी नाथद्वारा स्टाइल है वो उदयपुर स्टाइल से कैसे अलग है। देखिए इसमें यूज ऑफ ए येलो एंड ग्रीन कलर्स, यूज ऑफ ए लेमन येलो इन द बैकग्राउंड। वहां हमने देखा था आपकी जो उदयपुर स्टाइल थी उसमें ये देखा था हमने कि मार्जिन पर येलो कलर जो है वो लगाया गया है और रेड कलर काफी यूज किया गया है, जबकि इसके अंदर येलो और ग्रीन कलर यूज किया गया है और बैकग्राउंड में लेमन येलो कलर को यूज किया गया है। मेल फिगर्स की बात करें तो मेल्स हैव बीन शोन एज ए मैच्योर्ड बीइंग्स एंड मेन आर आइडेंटिफाइड बाय देयर तिलक। हमने उस उदयपुर सब स्टाइल में पढ़ा था कि जो उनके फिजिक होते हैं वो काफी हट्टे कट्टे दिख रहे थे उसमें, ठीक है। उनके कपड़ों का डिस्क्रिप्शन भी दिया था, लंबी मूंछें थी, आंखें बड़ी थी, जबकि यहां पर ये बता रहे हैं कि तिलक हैं और मैच्योर लोगों को लिया गया है पिक्चर्स में। फीमेल फिगर में भी मैच्योरिटी है, शॉर्ट स्टैचर मतलब छोटी हाइट है, फिजिकली वॉल्प्यूटस हैं वो, विद अ हिंट ऑफ लव इन द आईज एंड लेजीनेस, आंखों में आपको उनके कुछ लव और लेजीनेस दिखाई देगी। मंगल सूत्र अराउंड दी नेक, जबकि वहां ऐसा कुछ भी डिपिक्शन नहीं है। डेंस ग्रीनरी इन द बैकग्राउंड एंड प्रिमिसी ऑफ बनाना ट्री, ठीक है। यहाँ पर बनाना ट्री का प्रादुर्भाव है, काफी बनाना ट्री देखने को मिलेंगे, जबकि हमने यहाँ पर देखा था उदयपुर में कि कदम के ट्री और चकोर बर्ड को इसमें डिपिक्ट किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए मेंस में राइटिंग के अंदर कि राइट डाउन दी नाथद्वारा डिफरेंसेस बिटवीन दी नाथद्वारा सब स्टाइल एंड उदयपुर सब स्टाइल, सो आपको कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी दोनों की। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों मेवाड़ शैली से हैं। मेवाड़ शैली का आप तीन चार लाइन में डिस्क्रिप्शन देंगे जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है। उसके बाद आप इनको एक पेज के ऊपर दोनों दोनों स्टाइल्स एक साथ लिखेंगे और उनके फीचर्स के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे। और किस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पेंटिल ओरिजिनेट कैसे हुई, किन चित्रों का ज्यादा इसमें यूज किया गया है, फिर इनके फीचर्स को, कलर को, फिगर्स को, फीमेल फिगर को, ग्रीनरी को, बैकग्राउंड को, इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। पिछवाई एंड मुरल पेंटिंग्स आर मेड, ये जो है नाथद्वारा शैली की देन है पिछवाई और मुरल पेंटिंग्स। गोवर्धन माउंटेन पेंटिंग ऑफ कृष्णा ईटिंग मक्खन, ब्यूटीफुल स्केच ऑफ काउ एंड पेंटिंग्स ऑफ गॉड्स इन द स्काई, ये इस पेंटिंग्स की कुछ खास बातें हैं। तो ये हो गई आपकी नाथद्वारा सब स्टाइल। आई होप आपको यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं। लेट सी फर्दर, हम बात करते हैं आप देवगढ़ शैली की, ठीक है। देवगढ़ शैली की बात करें तो इसमें महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने को स्थापित किया है, ठीक है। किसने देवगढ़ ठिकाने को किसने स्थापित किया है, महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना जो है उन्होंने स्थापित किया था। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का भी बिल्कुल जन्म हुआ है। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है, मतलब ये इनका कॉम्बिनेशन जो है वो माना जाता है। द फीडर लॉर्ड्स ऑफ देवगढ़ वर कॉल्ड एज 16वें उमराव, जैसे मैंने आपको भी बताया इनको 16वें उमराव के नाम से जानते हैं। जयसिंह चुंडावत एंड द्वारिका सिंह चुंडावत जो है इनके नाम आपको याद रखने हैं। मुरल पेंटिंग इन दिस स्टाइल कैन बी सीन इन अजारा की ओवरी और मोती महल, ठीक है। जो मुरल पेंटिंग स्टाइल है वो आपको देखने को मिलेगी अजारा की ओवरी। हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम ओवरी क्या है। ओवरी जो है यहाँ पर आपको एक चित्रशाला की बात की जा रही है, जो पेंटिंग के लिए एक आप ग्रुप्स में सारी पेंटिंग्स रख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज कोऑर्डिनेटेड स्टाइल ऑफ मारवाड़, जयपुर एंड मेवाड़ स्टाइल, तीनों की स्टाइल आपको देखने को मिलेगी, मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ स्टाइल। डॉक्टर श्रीधर अंधारे फर्स्ट ब्रॉट दिस स्टाइल टू लाइट, सबसे पहले प्रकाश में लाने वाले या सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले कौन थे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। इन दिस स्टाइल नेचुरल सराउंडिंग्स, हंटिंग सीन्स, रॉयल लाइफस्टाइल, पैलेसेस हैज बीन डिपिक्टेड मैजेस्टिकली। देखिए देवगढ़ जो स्टाइल है उसमें राजाओं जो है उनके चित्रों का वर्णन ज्यादा किया गया है, वो शिकार कैसे करते थे, उनकी सराउंडिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग्स कैसी है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, इसके बारे में इनमें ज्यादा बताया गया। जबकि हमने देखा नाथद्वारा स्टाइल के अंदर भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं के बारे में बात की गई है, और उदयपुर जो स्टाइल थी हमारी उसके अंदर राजाओं के शारीरिक चित्रों का काफी वर्णन किया गया है, वो कैसे दिखते थे, फिजिक कैसी थी उनकी, उसकी बात की गई है। मैं आपको कंपैरेटिवली इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपको तीनों स्टाइल्स जो है उनके मेन फीचर्स लर्न हो जाए।
ठीक है, इट यूजेस थिक एंड डेंटेड लाइंस एंड येलो कलर हैज बीन यूज्ड प्रोमिनेंटली. अब हमने देखा है कि तीनों स्टाइल में येलो कलर्स को काफी यूज किया गया है. इन दिस स्टाइल द मेल एंड फीमेल फिगर्स आर सिमिलर टू द जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ठीक है, बिल्कुल इसमें मेल और फीमेल फिगर जो है जोधपुर स्टाइल को कॉपी किया है बिल्कुल. और लीडिंग आर्टिस्ट है इसके चोखा बैजनाथ हरचंद्रा. ठीक है, ये इसके लीडिंग आर्टिस्ट. फिर हम बात करते हैं चावंड सब स्टाइल की. ठीक है, चावंड सब स्टाइल की बात करते हैं. चावंड जो था वो कैपिटल बन गया था मेवाड़ का इन लेट 16th सेंचुरी एंड फॉर्म ऑफ मेवाड़ पेंटिंग्स वाज प्रेजेंटेड इन द चावंड स्टाइल सिंस देयर ऑन. और धीरे धीरे मेवाड़ पेंटिंग जो है उसमें चावंड स्टाइल जो है वो मिक्स होती गई. मोस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स वर मेड हियर. मैक्सिमम पेंटिंग्स जो है वो इसी स्टाइल के अंदर बनी हुई है. रागमाला एक बुक का नाम है. अ बुक बाय नसीरुद्दीन डिपिक्टेड इट 1605 AD द टाइम ऑफ महाराणा अमर सिंह इज अ प्रोमिनेंट बुक इन दिस रिगार्ड. अगर हम किसी बुक की बात कर रहे हैं तो ये बुक है रागमाला. इस बुक के अंदर जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में बात की गई है. द पीरियड ऑफ महाराणा अमर सिंह इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड कल्चर. तो चावंड सब स्टाइल जो है उसके गोल्डन पीरियड कब रहा है आपका, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में. मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड एज अ चावंड स्टाइल इन 17th सेंचुरी. द भगवत पुराण डिपिक्टेड बाय सहबुद्दीन इन 1648 एंड रामायण इन 1649. मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है भगवत पुराण, जिसने भगवत पुराण को डिपिक्ट किया है आपके सहबुद्दीन ने, और रामायण जो है उसको डिपिक्ट किया है 1649 के अंदर. ये इसी मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है इसके बारे में. ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट टेक्स्ट और उनके जो राजा थे उनके बारे में मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ. हीरानंद जिन्होंने सुप्रवश्वनत चरितम जो है उन टेक्स्ट के बारे में बात की है और महाराणा मोकल के शासनकाल में हुआ था. फिर एक कमल चंद्रा जिन्होंने शावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो है उसकी बात की है महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में. सहिबुद्दीन जो है उन्होंने रागमाला, रसिक प्रिया, भगवत पुराण इन सब की बात की है जगत सिंह प्रथम के शासनकाल. इसके अलावा शुक्र क्षेत्रीय महात्म्य भरमार गीत सार ये भी राज सिंह के शासनकाल में डिपिक्ट किए गए हैं. जगन्नाथ जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बिहारी सतसई, आशा रामायण मनोहर और सहिबुद्दीन इन टेक्स्ट के बारे में लिखा है और संग्राम सिंह के शासनकाल में. तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा आर्टिस्ट टेक्स्ट और उनके किंग. और अभी तक हमने कुछ जो है वो स्टाइल्स के बारे में भी बात कर ली है. अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की. ठीक है, तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में भी कितनी सब स्टाइल्स दी हुई हैं. पहला है आपका जोधपुर सब स्टाइल, फिर है आपका बीकानेर सब स्टाइल, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर और अजमेर. ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मारवाड़ स्कूल है क्या. द स्प्लेंडर ऑफ द मारवाड़ पेंटिंग रिफ्लेक्ट इन द कंट्री स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ जोधपुर. द इम्पैक्ट ऑफ द स्टाइल कैन बी सीन इन जैसलमेर, नागौर एंड अजमेर. ठीक है, तो इनका जो इम्पैक्ट है स्टाइल का वो आपको जैसलमेर, नागौर और अजमेर में भी देखने को मिलेगा. तिब्बतन हिस्टोरियन लामा तरनाथास हैज मेंशन अ पेंटर श्रृंगधर इन मरुदेश इन 7th सेंचुरी हु फाउंडेड यक्ष स्टाइल इन वेस्टर्न इंडिया. द अर्लिएस्ट रिमेन्स ऑफ दिस स्टाइल आर फाउंड इन औद निरुक्ति वृत्ति ऑफ द प्रतिहारा पीरियड. फॉर द मोस्ट पार्ट पेंटिंग पोर्ट्रेट ऑफ द स्टोरी ऑफ रोमांस फ्रॉम मारवाड़ी लिटरेचर. देखिए बात करते हैं मारवाड़ स्कूल को, पहले समझते हैं कि वो है क्या. जो मारवाड़ स्कूल है उसमें स्प्लेंडर ऑफ द मारवाड़ पेंटिंग रिफ्लेक्ट द कॉटली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ऑफ जोधपुर. बेसिकली जो जोधपुर के कोर्ट्स हैं उनके जो दरबार हैं उनकी पेंटिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करता है. जो इसका इम्पैक्ट है वो आपको जैसलमेर, नागौर और अजमेर की पेंटिंग्स में भी देखने को मिलेगा. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जोधपुर सब स्टाइल की. दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राव मालदेव एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल ऑन दिस फॉर्म कैन बी सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोटा राजा उदय सिंह. ठीक है, ये मुगल स्टाइल जो है इसमें देखने को मिलती है मोटा राजा उदय सिंह के टाइम में. दी उत्तर ध्यान सूत्र पेंटेड इन दिस स्टाइल एंड मुरल्स ऑफ चौकलेवा पैलेस एक्सप्रेस द मिलिट्री इंटरेस्ट ऑफ मालदेव. ये जो है
पेंटिंग जो है उसकी स्टाइल की बात कर रहे हैं, उत्तर ध्यानान सूत्रा इस स्टाइल में ही पेंट की गई है, पेंटिंग का नाम है। एंड मुरल्स ऑफ चौकेले पैलेस एक्सप्रेस द मिलिट्री इंटरेस्ट ऑफ मालदीव, इसमें उनके जो मिलिट्री इंटरेस्ट है उसके बारे में भी पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस किया गया। इसमें बैटल बताई गई है राम रावण की, जो कि डिपिक्ट की जाती है वॉल्स के ऊपर ऑफ द चौखला पैलेस। ठीक है, राम और रावण की जो युद्ध हुआ था उसकी पेंटिंग जो है वो यहां पर बनाई गई है। सूर सिंह की बात करें अगर हम, तो उनकी पेंटिंग्स ऑफ बिलवाल रागिनी और ढोला मारू उस शासनकाल में काफी फेमस रही थी। जसवंत सिंह की बात करें, उनके शासनकाल में टर्निंग पॉइंट इन द जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो किसके शासनकाल में जोधपुर स्टाइल जो थी उसमें टर्निंग पॉइंट आया था? जसवंत सिंह के शासनकाल में। पालजी वीरजी जो पेंटर थे, विठल दास चांपावत ऑफ पाली, रागमाला पेंटिंग्स जो है इसी में आई है। पेंटिंग ऑफ वुमन विद हुक्का, देख रहे हैं आप यहाँ पर एक पिक्चर में कि औरतें जो है, उनके एक औरत है उसके हाथ में हुक्का है, तो ये शिवदास ने पेंट किया है। द डाइवर्सिटी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड मुगल इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा इस पेंटिंग स्टाइल में। फिर बात करते हैं हम लोग महाराजा मान सिंह के, डीप इन्फ्लुएंस ऑफ नाथ संप्रदाय का काफी प्रभाव इस पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा महाराजा मान सिंह के शासनकाल में। मैं आपको अलग अलग शासनकाल में क्या क्या पेंटिंग में चेंजेस आए हैं वो एक्सप्लेन कर रही हूं। आयास देवनाथ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ महामंदिर टेम्पल, डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग आर्ट फ्लरिशेस इन दी मठ, टेम्पल्स जो है मठों में मंदिरों के अंदर पेंटिंग्स को काफी प्रचलित किया गया था इनके शासनकाल में। रासराज ग्रंथ पेंटेड बाय मतीराम चित्रा, इनके शासनकाल में एक ग्रंथ है पूरा रासरज जो कि पेंट किया गया था मतीराम चितेरा के द्वारा। ठीक है, चितेरा जो है इनका काफी फेमस नाम है, मतीराम चितेरा, इन्होंने इसको पेंट किया था। अब इनके शासनकाल में जो लीडिंग पेंटर्स हैं वो है मतीराम, चाजू, केजली, उदयराम नाथा, शेम्फू, नारायण दास, अमरदास, बिशन दास, शिवदास, किशन दास और देवीदास। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की, तो इसमें येलो और रेड कलर जो है वो आपको काफी देखने को मिलेगा। जब तक अभी तक हमने जितनी भी पेंटिंग्स की बात की है उनके कैरेक्टर में आपको येलो रेड कलर तो बिल्कुल मिल रहा है। थीम की बात करें तो लव स्टोरीज की बात की गई है, ढोला मारू की, वीरम देव, सोनग्रा रिवात, इनके सारों की लव स्टोरीज की बात की गई है। मेल फिगर्स जो है वो टॉल है और वेल बिल्ट फिजिक है, लंबे हैं, जबकि हमने बाकी जो स्टाइल्स थी उसमें उनकी हाइट काफी कम थी। बिग आईज लाइक अ बो, ठीक है, बो के जैसे इनकी बड़ी आंखें हैं, हाई टर्बन्स हैं, डेंस मुस्टाच और बियर्ड भी है, मतलब दाढ़ी मूछ के साथ में आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। फीमेल कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, रेड एम्ब्रॉयडरी और काफी इनमें मोतियों की ज्वेलरी जो है आपको देखने को पिक्चर्स में मिलेगी, तो ज्वेलरीज जो है वो इनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया बाद में। फीमेल फिगर्स की बात करें तो मार्किंग्स यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे टैटूज जो हैं उनके बारे में भी इनके बारे में बताया गया है। थिन वेस्ट, कमर जो है उनकी पतली है, लॉन्ग आईब्रोज अप टू द ईयर्स एंड लॉन्ग हैंड्स एंड फिंगर्स, जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर इनकी काफी पतली फिंगर्स हैं। आलमंड शेप आईज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोल्ड में लिखा हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट, तो आलमंड शेप आईज जो है यानी कि बादाम के जैसी आंखें जो है वो किस पिक्चर या किस सब स्टाइल का जो है कैरेक्टर है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, आलमंड शेप्ड आईज जो है वो किस आपकी शैली का कैरेक्टर है, तो आपको इस तरह से इसको डिपिक्ट करना है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जोधपुरी सब स्टाइल की, तो जोधपुरी सब स्टाइल का कैरेक्टर है आपका आलमंड शेप आईज। डेंस क्लाउड विथ थंडर स्ट्राइक और प्रोमिनेंट अपीयरेंस ऑफ मैंगो ट्री, हॉर्सेस और डॉग्स, अभी तक हमने देखा था कि ज्यादातर कदम का पेड़, केले का पेड़ और ये सब दिखाए गए थे, लेकिन अब यहाँ जो है वो मैंगो ट्रीज, हॉर्सेस और डॉग्स जो है वो भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री में आ सकते हैं। जैसे देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे। ठीक है, तो निहाल चंद जो है वो उन्होंने सीधा पेंटर के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया है, किशनगढ़ शैली के चित्रकार रहे हैं निहाल चंद। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किससे संबंधित है। इसके अलावा रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित है, सीधा पेंटर्स के नाम से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें और क्वेश्चंस की तो ऐसे आ सकता है
कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया गया है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना, तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन आपके सीधे चित्र शैली से, उसके कैरेक्टर्स से और शासन काल से, इनसे क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग बीकानेरी सब स्टाइल की। ये 16th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुई थी और देखिए बीकानेरी शैली जो है उसमें लाल, हरा और नीला कलर जो है काफी यूज किया गया है। जैन इन्फ्लुएंस वॉज विजिबल मेनली ड्यू टू मथेरना आर्ट। ठीक है, मथेरना आर्ट जो है वो यहाँ पर काफी फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एक तो उस्ता कला और एक आपका मथेरना आर्ट, दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दोनों बीकानेरी सब स्टाइल से रिलेटेड है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि उस्ता आर्ट और मथेरना आर्ट होता क्या है, वॉट इज उस्ता आर्ट एंड मथेरना आर्ट। महाराजा राज सिंह राय सिंह की बात करते हैं हम लोग कि भगवत पुराना इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ दिस स्टाइल। लीडिंग पेंटर्स हैं हमिद रुकनुद्दीन, रहीम खान, अली राजा, ये इसके लीडिंग पेंटर्स हैं। किस स्टाइल के पेंटर्स हैं ये? बीकानेर सब स्टाइल के। अब महाराजा राय सिंह की बात हो गई, उसके बाद बात करते हैं महाराजा अनूप सिंह की। एग्जाम्पलरी पेंटिंग्स वर मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और इसको गोल्डन एज कहा जाता है बीकानेरी सब स्टाइल का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस राजा के शासनकाल को बीकानेरी सब स्टाइल का गोल्डन एज कहा गया है। ठीक है, तो महाराजा अनूप सिंह। यहां पर डेवलपमेंट हुआ है उस्ता आर्ट का और मथेरना आर्ट का। कैरेक्टर्स की बात करें, अगर हम लोग इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भगवान गणेश जो है वो एक रथ पर बैठे हैं और पूरा जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, थीम एंड पिक्चर की बात करें तो मेजर थीम क्या रहता है इसमें? पर्सन पोर्ट्रेट्स, रॉयल कोर्ट, हंटिंग, कॉपीज ऑफ मुगल पेंटिंग वर आल्सो मेड। पर्टिकुलर पर्सन को लेकर पेंटिंग्स बनाई गई है, कोर्ट यानी कि दरबार का चित्रण किया गया है, हंटिंग सीन्स को दिखाए गए हैं और मुगल पेंटिंग्स की कॉपी भी की गई है। पिक्चर बेस्ड ऑन मेघदूत, रागमाला, राग रागिनी, कृष्ण लीला और रसिक प्रिया एंड अदर ऑर्नामेंटल नरेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेघदूत, रागमाला, राग रागिनी, कृष्ण लीला और रसिक प्रिया, ये जो पिक्चर्स हैं वो किस सब शैली या सब स्टाइल जो है उससे बिलोंग करते हैं। तो आपको आंसर लिखना है बीकानेरी सब स्टाइल। कलर बात करें तो येलो एंड पिंक कलर्स हैव बीन यूज्ड इन अबंडेंस इन दिस स्टाइल। इनमें काफी येलो और पिंक कलर को यूज किया गया है। मेल फिगर्स जो हैं उसमें फियरली फियरी बियर्ड, मुस्टाच यानी कि दाढ़ी और मूछ है और ये डिस्प्ले करते हैं हीरोइज्म को, एकदम बिल्कुल हीरो जैसे दिखते हैं। इसमें हाई पॉइंटेड इनका टर्बन रहता है विद अ स्पीयर इन हैंड एंड शील्ड इन द बैक, शील्ड एट द बैक। फीमेल फिगर की अगर हम बात करते हैं तो बो शेप्ड आईज हैं, लॉन्ग नोज है और थिन अपेंडेजेस हैं, इलोंगेटेड इनकी कमर रहती है, काफी लंबी रहती है। इन सर्कल इनका स्कर्ट है और ट्रांसपेरेंट टिपेट्स यानी कि ओढ़नी जो है वो जो है उनकी बात कर रहे हैं। मृगनैनी आईज लाइक अ डियर। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे बिल्कुल कि मृगनैनी आईज यानी कि हिरण के जैसी आंखें जो है वो किस पिक्चर की जो है खास बात है, किस सब स्टाइल की खास बात है? तो बीकानेरी सब स्टाइल की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि बादाम जैसी आंखें जो है वो किस सब स्टाइल की खास बात है। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा। टॉल एंड स्लिम हीरोइन, इट इज इन्फ्लुएंस बाय द जैन स्टाइल, मुगल स्टाइल और सदर्न स्टाइल से काफी इन्फ्लुएंस है। प्रोमिनेंट डिपिक्शन है इसके अंदर मैंगोज का, कैमल्स का एंड हॉर्सेस का। मुगल एंड डेक्कन आर्ट इन्फ्लुएंसेस इसमें विजिबल है और मथेरना और उस्ता आर्ट की मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो लेट्स सी किसने आंसर किया है। यादव जी ने कहा है उस्ता कैमल्स पर पेंटिंग। यस, बिल्कुल सही बात है। सो लेट्स सी फर्दर। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, लेट्स सी इट क्विकली। हमने बात करी है अभी तक किस किस सब स्टाइल्स की, मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। हम स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर हमने बात करी है मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, अभी दो ही चल रहा है हमारा, उसमें हाड़ोती और ढूंढाड़ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल लेंगे। उदयपुर सब स्टाइल में नाथद्वारा सब स्टाइल, देवगढ़ सब स्टाइल और चामन सब स्टाइल को हमने कवर किया। फिर हमने उदयपुर सब स्टाइल की बात की, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बादाम जैसी आंखें किस सब स्टाइल का कैरेक्टर है, ठीक है। फिर हमने बात करी है नाथद्वारा सब स्टाइल की,
और उसमें जो कलर्स यूज किए जा रहे थे उनकी बात की, फिर देवगढ़ सब स्टाइल की बात की है हमने, और उसमें रागमाला की मैंने आपको बताई जो जो इम्पोर्टेंट है, आर्टिस्ट टेक्स और किंग का डिस्क्रिप्शन दिया मैंने आपको, फिर हमने बात करी है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की जिसमें हमने जोधपुर बीकानेर अभी अभी दो ही बात करी है सब स्टाइल्स की, बाकी की जो आपकी है आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जोधपुर सब स्टाइल हो गया आपका, महाराणा मान सिंह लीडिंग पेंटर्स कैरेक्टर्स, फिर बीकानेर सब स्टाइल की हमने बात की है। सो एवरीवन थैंक यू सो मच, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज प्लीज डिस्कस। यादव जी ने आंसर दिया है आपका उदयपुर, यस। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग सब स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस, स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।